आपका एग्जाम पास आने वाला है, मैं हर बच्चे को ये कहूंगा, एक बार किसी सरकारी अस्पताल के आईसीयू में जाके अपने जीवन का 1 घंटा बिता लीजिए। आप लोग तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट वाले, कभी ना कभी आपको बिताना ही होगा। और जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा, किसी सरकारी अस्पताल के आईसीयू में जाके 1 घंटा आप बिता लीजिए। वो आपको घुसने नहीं देंगे, आप बड़े बाहर खड़े हो जाइएगा, ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह होती नहीं, हमारे प्रयागराज में तो नहीं थी, अब यहाँ मुझे नहीं पता। आप 1 घंटे खड़े हो जाइए, आपको जीवन में इतने सत्य दिखेंगे ना कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको सब छोटी लगने लगे। 1 घंटे आप आईसीयू के बाहर खड़े होंगे कि सरकारी अस्पताल में, भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल के आप आईसीयू के बाहर खड़े होंगे, तो 1 घंटे में कम से कम आप 5 मौतें देखेंगे। सबसे पहले उसमें से कुछ मौतें ऐसी होंगी जो बहुत जवान बेटों की होंगी, जवान बेटियों की होंगी, किसी के पति की होगी, किसी की पत्नी की होगी, कहीं ऐसा पति की डेथ हो जाएगी जहाँ बच्चे बचे हुए हैं, माँ बची हुई है, माँ कोई काम नहीं करती है, वहाँ वो रो रही होगी, अनपढ़ होंगे लोग। और जब आप मौत देखोगे कि इस तरह से इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो आपको लाइफ में जो चीज़ें मिली है ना उनको आपकी उनकी आपको वैल्यू रियलाइज होने लगेगी। When death is in front of you, then you think about the only thing that really matters to you in life. What are the things that really matter to you? Your health, your parents, and the people you love. Khatam. That's all. एक बार imagine करो कि अभी हमें heart attack आने वाला है. Just imagine. और अपने पास बचा है 15 मिनट. क्या सोचोगे आप? IIT सोचोगे? नहीं। मेडिकल सोचोगे? नहीं। पैसा सोचोगे? नहीं। क्या सोचोगे? पेरेंट्स। और कोई ऐसी इच्छाएं जो बहुत करना चाहते थे हो नहीं पाई जीवन में, जो पूरी रह गई, तभी तो लोग कहते हैं ना आत्मा भटकती है। हाँ, चुड़ैले भी। कोई तो इनकम्प्लीट विश होती है जो परेशान करती है उस समय आपको जाके। इसीलिए स्टीव जॉब्स ने बोला था कि हर सुबह जब आप उठिए तो आप शीशे में देख के अपने आप से ये पूछिए कि अगर आज मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है तो क्या मैं वही करता जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। इसका उत्तर अगर कई दिन तक सीक्वेंस में नो आ रहा हो, ना आ रहा हो, इसका मतलब आप किसी गलत रास्ते पर हैं। हमें क्या लगता है ना, जीवन बहुत लंबा है, अभी ये कर लेते हैं, अगले साल ये कर लेंगे, अगले साल ये कर लेंगे, 5 साल बाद शादी हो जाएगी, आई प्रोमिस यू मैं कर लूँगी शादी 5 साल बाद, पापा को मना लूँगी, 10 साल में एक बड़ा घर होगा, एक बड़ी कार होगी। किसी को क्या पता कि आज हम बाहर निकले, बाहर एक गाड़ी बड़ी सी है, पर वो हमारे लिए नहीं, हमें कुचलने आई थी, एंड दैट्स ऑल, सारे प्लान्स गए।